भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद ने एक बार फिर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। संसद में उनके इस बयान के बाद पूरे देश में हल्ला मच गया है। इसी बवाल के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने ट्वीट कर साध्वी प्रज्ञा पर हमला बोला है। इससे पहले जब राहुल ने इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, मैं उस महिला के बारे में नहीं बोलना चाहता, ये RSS और BJP की आत्मा में है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, वो गांधी जी की कितनी भी पूजा करे उनकी आत्मा संघ की है, मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया, भारत की संसद के इतिहास में ये दुखद दिन है। साध्वी प्रज्ञा ने बुधवार को लोकसभा में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। प्रज्ञा ठाकुर के एक बार फिर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर भाजपा ने उन्हें संसदीय कमेटी से बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रज्ञा ठाकुर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।